हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज इस वीडियो में हम RTGS पेमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल। हियर वी गो। देखिए, RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सिमिलर होता है NEFT पेमेंट सिस्टम के, जिसकी हेल्प से आप फंड्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के रेफरेंस से काफ़ी अलग होता है। जहाँ NEFT में पेमेंट करने के लिए मिनिमम लिमिट तय नहीं की गई है, वहीं पर RTGS में मिनिमम लिमिट पैसा ट्रांसफ़र करने की 2 लाख रुपये है। अगर 2 लाख से कम आपको ट्रांसफ़र करना है तो कोई और मोड ऑफ पेमेंट आपको चूज़ करना होगा। अगर आप RTGS की फुल फॉर्म पर नज़र डालें तो अपने आप में वो काफ़ी क्लैरिटी दे देता है टुवर्ड इट्स प्रोसेस ऑपरेशन। देखिए, रियल टाइम मीन्स सिस्टम से ट्रांसफ़र होने वाला पैसा उसी मोमेंट में पेई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि NEFT में आर्ली बैचेज में ट्रांजेक्शन होती है तो वहाँ पर कुछ आवर्स का डिले होता है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन RTGS। ग्रॉस मीन्स लार्ज, जो कि इम्प्लाई करता है कि बड़ा अमाउंट ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग RTGS पेमेंट सिस्टम। और ये सारा ट्रांजेक्शन सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। इट इज़ फास्टर देन एनी अदर पेमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं चार्जेस की। तो देखिए, जो सर्विस कमीशन है वो वैरी करता है बैंक टू बैंक। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपर लिमिट डिफाइन कर दी है ट्रांजेक्शन के लिए, जिससे ज़्यादा कोई भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होगा, और इसमें एक टाइम वेरिंग चार्जेस होता है 1 से 5 रुपये, जो बैंक टू बैंक वैरी करता है। बट टोटल कॉस्ट, आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस सर्विस टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। वहीं अगर ट्रांजैक्शन अगर आपका 5 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे आपको 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस एप्लीकेबल टाइम वेरिंग चार्जेस, जो 1 से 5 रुपये अगेन इस केस में भी रहेगा, लेकिन टोटल चार्ज आपका एक्सीड नहीं कर सकता 55 रुपये से ज़्यादा प्लस सर्विस टैक्स। तो ये तो बात हुई आपकी चार्जेस की। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। जो सेटलमेंट टाइमिंग होता है वो 9 से 4:30 बजे तक होता है वीक डेज में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे में यही टाइमिंग आपका 9 से 2 हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है कस्टमर टाइमिंग्स पे, जो बैंक टू बैंक वैरी करते हैं। और मिनिमम अमाउंट, जैसे कि हमने पहले बात करी है, 2 लाख रुपये होता है RTGS पेमेंट सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई RTGS पेमेंट सिस्टम के बारे में, और आई बिलीव ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड माय लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।